वेलकम टू शिलोंग गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाफलोंग पे। सब्सक्राइब कर रहा मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग अपलोड होगा मेरे चैनल पे। तो अभी मैं हूँ आगरतला के बदरगढ़ स्टेशन पे। अभी क्यों इस यहाँ पे हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ शॉर्ट पे। मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी, गुवाहाटी से जाएंगे शिलोंग, क्योंकि मेरा जो नानी है वो बीमार है। तो थोड़ा बीमार है, थोड़ा ही बोल देता हूँ, क्योंकि नानी है, बहुत प्यारा है मेरा। तो वहाँ पे जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उसके बाद इसके लिए मैं थोड़ा ये ब्लॉग बनाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो नानी और नाना के साथ जो मैं जा रहा हूँ, ये एक मेमोरीज बन के रहे मेरे साथ। इसी के लिए हम जो जा रहे हैं, ये है ट्रेन, ये ट्रेन से जाएंगे। ये अभी तो सुबह के बज रहे हैं लाइक 5:35 से, बस 10 मिनट को ये ट्रेन चलेगा तो जाएंगे। ये देखो मेरा छोटा भाई भी जा रहा है मेरे साथ, मेरा काजी नहीं है। यहाँ से गुवाहाटी आज सुबह को सेवा का 10 मिनट को चला जाएगा और वहाँ पे पहुँचेगा रात को 7:30 बजे को या 8 बजे को पहुँचेगा गुवाहाटी पे। तो अब वहाँ पे जाके हम लोग एक वन नाइट स्टे, मतलब वहाँ पे स्टे करेंगे एक रात। उसके बाद जाके हम लोग जाएंगे शिलोंग पे, और शिलोंग में जाके अगर मुझे घूमने का मौका मिले तो मैं अच्छी तरह घूमूंगा और आप लोगों को शिलोंग का जो व्यू है, नज़ारे है, जो जगह है, जो कल्चर है, जो लोग हैं, कैसे रहते हैं, मैं आप सबको दिखाऊंगा। ये मेरा नाना, ये देखो क्या कर रहा है। और ये है मेरा भाई कजिन, ये भी छोटा भाई है मेरा कजिन, और ये नानी। अरे भाई कहाँ है, अरे भाई नानी, और वो है मेरा मामी। अभी बज रहे हैं 6:20। तो 6:20 को ये ट्रेन जो है अभी चालू छोड़ दिया है यहाँ से आगरतला से। अभी हम पहुंच चुके हैं करीमगंज पे, आसाम पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। और पता नहीं यहाँ पे क्यों रुका हुआ है ये ट्रेन, ये देख सकते हो, देखो ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ है ये बीच में। पता नहीं यहाँ पे कुछ हेलीपैड है, शायद हेलीपैड होगा शायद ना, हाँ बस हेलीपैड है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों रुक चुका है, ये देखो लंबा सा ये ट्रेन। मैं आप लोगों को ये व्यू देखा था, ये व्यू देख, वहाँ पे एक है रेल गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाफलोंग पे, जहाँ पे फ्लैट हुआ था ना, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो गए थे कि हाफलोंग पे फ्लैट हुआ था, और मतलब रेलवे स्टेशन पूरा खत्म हो गया, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये है वो हाफलोंग स्टेशन, ये देखो ये वही स्टेशन है जहाँ पे फ्लैट हुआ था इसी साल को, बहुत बड़ा ये रहा ये हाफलोंग। बहुत दूर जाना है, लगभग अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, हम रात में जाके पहुँचेंगे 7:30 बजे को या 8 बजे को, ठीक है। और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। अभी धूप भी छाया हुआ है, थोड़ा अच्छा लग रहा है हाफलोंग। ये देखो हाफलोंग के नज़ारे, कैसे ये देखो यहाँ पे खाने के लिए क्या मिलता है। ये
तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। पूरा का जो पूरा दिन हम लोग ने सफ़र किया अभी पहुंचे। ये है आकाश, मेरा दोस्त है, ये हम लोगों को पिकअप करने आया। तो थोड़ा वेट करते हैं दादी लोगों का। फाइनली गुवाहाटी पे पहुंच चुके हैं हम लोग और देखते हैं आज। मैं जा रहा हूँ नानी के साथ। ये देखो नानी पहली बार गुवाहाटी पर आया है। बेसिकली मैं भी पहली बार गुवाहाटी पर आया हूँ। तो देखते हैं, अगर हो पाए तो आज हम लोग चला जाएँगे शिलोंग पर। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। दिस इज द कंडीशन ऑफ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे पैसेंजर्स हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत थके हुए हैं। वैसे मैं तो ज़्यादा थका हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सो के आया था, बस खाना नहीं खाया, जो मिला ट्रेन में वो खा लिया। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8:23। अभी हम लोग ये जो कार देख रहे हो, ये है शिलोंग जाएगा डायरेक्ट। अगर आप लोग यहाँ पे ही मेरे पीछे स्टेशन है, आके यहाँ पर आप लोग आके डायरेक्ट कार ले सकते हो शिलोंग जाने के लिए। तो ये हमने अभी ले लिया रेंट पर, और अभी हम लोग चले जाएँगे शिलोंग पर। लगभग 2 या 2.5 घंटे का जर्नी होगा वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जर्नी। तो गाइस ये जो मेरा दोस्त है आकाश चकमा, ये मेरे गांव से ही हैं, और ये जो दोस्त है ये गुवाहाटी पे रहता है। तो थैंक्स टू हिम बहुत मदद करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे, लाइक वो आया हम लोगों को लेने और बहुत मदद किया। थैंक यू टू हिम। ठीक है गाइस, और अगर आप लोग कभी भी गुवाहाटी पर आओ तो आके मेरे इस वीडियो के जरिए आप लोग आके आप लोग मदद ले सकते हो। ठीक है, ये जो गाड़ी है इसको लेकर जाएंगे आगे गुवाहाटी टू शिलोंग। रात को पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर देना बोल रहा। ठीक है, तो भाई चलिए अभी आकाश को बोल देते हैं बाय बाय, और गुवाहाटी को भी लेट्स गो। पाचो दादा देखा वो भाई तरसी पुर लो जाना मोर भाई। था 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 देखा टाटा टाटा। सब्सक्राइब करना टाटा। मेडिकल और कारण है ये बुजू ओडे जो ना ओडे या बाय। ये टाटा टाटा टाटा। गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। कल रात को पहुँचे थे यहाँ पे, तो और ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाए। अभी होटल से सो के उठे हम यहाँ पे आके रुके थे, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास ही हम लोग रुके थे। मेरे सामने हॉस्पिटल है। ओ गुड मॉर्निंग, बहुत ठंड है यहाँ पे, रात को बहुत ठंडा लगता है, इसलिए स्वेटर वेटर लेना पड़ा। तो आज घूमेंगे यहाँ पे, और अभी मैं नींद से उठा तो अभी धूप भी है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल रात को लाइक 12 बजे हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे। एक मतलब लाइक कोइंसिडेंस है, जब मैं मिजोरम गया था तभी 12 बजे को पहुँचे थे रात को। अभी शिलोंग पे आया तो भी रात को 12 बजे पहुँचा, पता नहीं ये कोइंसिडेंस क्यों हुआ। तो हुआ तो वो अच्छा ही हुआ। यहाँ पे होटल रूम है, यहाँ पे हम रुके थे। ये देखो गाइस, ये है हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये इस हॉस्पिटल का नाम है नई ड्रीम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, देखते हैं आज शाम को अगर मौका मिले तो शिलोंग पे जाके घूमेंगे मेन टाउन पे। तो देखते हैं। ये देखो दादी है यहाँ पे, नानी है और नाना है यहाँ पे, और हॉस्पिटल इधर है। अभी नानी थोड़ा बीमार है,
एक्चुअली नानी का ये बीमार है कि वो सर पे सर थोड़ा दर्द करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल पे आए हुए हैं। ये जो नाना है बहुत ख्याल रखता है नानी का, ठीक है, बहुत बहुत केयरिंग हस्बैंड है ये। ये दोनों लगभग 61 ईयर्स हो गया है, मतलब शादी हुए अभी तक एक साथ है। ये होता है इंस्पिरेशन, बहुत टेक केयर करते हैं नानी का। तो रात को जब आए थे ऐसे ही नंबर लेते हम लोगों ने, ऐसे नंबर लेके कॉल किया था। ऐसे ही बहुत सारे मिल जाएगा आपको रास्ते पे, ठीक है, बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे आप लोग कॉल करके। आप लोग अगर, हम लोग तो रात को 12 बजे पहुँचे थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था रूम मिलने के लिए, क्योंकि कई कई लॉज में जो है रूम्स जो है फुल हो चुके थे, इसलिए भाई साहब नहीं इधर चलते हैं। चलो लीजिए नहीं दी, हाँ चलो। हाँ वेलकम टू शिलोंग गाइस, आप लोग शिलोंग देखो अभी। अगर मुझे मौका मिले शिलोंग घूमने का, टाइम मिले तो मैं घूमूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं शिलोंग को कैसे दिखता है। वैसे हम लोग तो रात को आए थे, रात को इतना कुछ देख नहीं पाया, बस लाइट ही दिखाई दे रहे थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज रहेंगे, अगर टाइम मिलता है तो घूमेंगे, तो देखते हैं आज। देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लॉज है, अभी यहाँ पे है कि यहाँ पे एक और इधर पूरा का पूरा लॉज ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देखो अभी हम लोग नीचे से आ चुके हैं, कुछ खाने के लिए लेके जाएंगे नानी के लिए और नाना के लिए भी। ओह चढ़ाई कर रहे हैं बस। गाइस दिस इज़ द हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल, बहुत बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट है और ये बहुत सस्ता भी है ऐसा मैंने सुना है, तो आज जाकर कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। ये देखो नई ग्रीम्स हॉस्पिटल, बहुत एक्साइटिंग हूँ शिलोंग घूमने के लिए, देखते हैं अगर मौका मिलते तो घूमेंगे ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। फाइनली वी आर एंटरिंग द हॉस्पिटल, लेट्स गो एंड सी। सो अभी अंदर जा रहे हैं, ये देखो नाना नानी सब मिलके जा रहे हैं, भाई अभी इधर, तो चलो। ये रहा व्यू हॉस्पिटल का, मतलब ये जो आउटसाइड एरिया है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, ये आप देख सकते हो। अगर आप त्रिपुरा में जाओ इतना नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगा, सच बात है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही क्लीन है चारों तरफ, ये देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत खूबसूरत भी है। आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आप लोग चाहे तो बस से भी आ सकते हो डायरेक्ट अगरतला से शिलोंग तक, और या फिर अच्छे से आपका इलाज कर सकते हो। अगर आप बीमार हो, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपका कोई रिश्तेदार है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और आ सकते हो। तो हम लोग आए थे ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन जो है क्योंकि नानी और नाना तो अभी तो थोड़ा वो एज ज़्यादा हो गया, इसलिए बस से नहीं आई क्योंकि वो तो बीमार है और फिर से बीमारी बढ़ जाएगा, इसलिए। तो हम लोग ट्रेन से आए थे और रात को यहाँ पे डायरेक्ट गुवाहाटी से लेके यहाँ पे आके पहुँचे थे रात को 12 बजे को। तो अगर आप लोग चाहे तो आप लोग आ सकते हो डायरेक्ट बस से अगर तो शिलोंग, ठीक है। और हॉस्पिटल पे जाने के बाद, अगर इलाज होने के बाद, मैं आप लोगों को सारा जो क्राइटेरिया मैं बता दूंगा। अगर आप लोग आओ मेरे इस वीडियो के जरिए आप लोग मदद ले सकते हो, आराम से आके आप लोग यहाँ पे अपना इलाज कर सकते हो। जो हॉस्पिटल है बहुत ही लाइक लो प्राइस ये वो करता है, तो देखते हैं एक्सपीरियंस करके देखते हैं।